कश्मीर आजाद भारत और राजनीति। कश्मीर में कश्मीर पंडितों के साथ बहुत सारी बातें हो गई, राजनीति भी हुई, फिल्म भी बनी। उस मुद्दे पर हम बात करने के लिए हमारे साथ पवन खेरा जी हैं। सर, अभी जो पलायन वाला मामला चल रहा है, हत्या के मामले चल रहे हैं, क्या है? पिछले 8 महीने में 10 महीने में 30 टारगेट किलिंग्स कश्मीरी पंडितों की हुई। चुनाव आप वहां करवा नहीं पा रहे। स्थिति ऐसी है कि कश्मीरी पंडित जो वहां रह गए थे वो भी वहां से पलायन कर रहे हैं। आप बताइए स्थिति, इसको आप सामान्य कैसे कह सकते हैं? हम श्वेत पत्र की मांग कर रहे हैं कि जो 10 साल मनमोहन सिंह जी के थे उस वक्त की स्थिति और आज की स्थिति, पिछले 8 साल की, इतना फर्क क्यों आया? मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमने कश्मीर में इतना काम किया कि वहां लोग खुली हवा में अब सांस ले रहे हैं। दिख रहा है काम? अगर 30 कश्मीरी पंडित पिछले 8-10 महीने में मारे जाते हैं, ये काम किया है आपने? अगर आप वहां चुनाव नहीं करवा पा रहे, ये काम किया है आपने? सर, कश्मीरी फाइल जो फिल्म बनी है उस पे क्या कहना है? तो ये क्या तरीका है कि आपने एक फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया और सोचा कि काम खत्म हो गया कश्मीर का? कश्मीर में चुनाव करा के दिखाइए, कश्मीरी पंडितों को वापस वहां स्थापित करके दिखाइए, उनको धमकाने की आवश्यकता नहीं है जिस तरह से आप धमका रहे हैं। सर, कश्मीर के जो हालात दिखाए गए थे, क्या वो सही थे उस पिक्चर में? मैंने देखी नहीं पिक्चर, तो उस पर टिप्पणी नहीं करूँ। सर, क्या इस स्थिति के लिए निर्वाचित सरकार का नहीं होना या फुल स्टेट का नहीं होना एक बड़ा फैक्टर आप मानते हैं? किसी भी कॉन्फ्लिक्ट जोन में क्या रास्ते होते हैं कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने, समुदायों के बीच के संबंध सुधरे, शांति की एक प्रक्रिया होती है, और जब वो संबंध इस स्तर पर आ जाए कि चुनाव किए जा सकते हैं, चुनाव करवाए जाए, इन दोनों मापदंडों पर आप तुलना कीजिए 2004 से 14 के बीच में क्या स्थिति थी और 2014 से 22 के बीच में क्या स्थिति, जवाब आपको भी मिल जाएगा और नरेंद्र मोदी को भी मिल जाएगा। पवन जी, डिलिमिटेशन के बाद आने वाले वक्त में कश्मीर में चुनाव भी कराने के लिए सरकार मन बना रही है, ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी अगर हालात को इतना ही बुरा मानती है तो क्या कांग्रेस पार्टी चुनाव में शामिल होकर पार्टिसिपेट करेगी? आप लोग इन परिस्थितियों में चुनाव नहीं कराने की सलाह दें? हम सलाह कुछ नहीं दे रहे, हम तो अब श्वेत पत्र मांग रहे। पहले कश्मीरी पंडितों को जवाब चाहिए इन सवालों का। ये 30 टारगेट किलिंग्स का मैंने आपको बताया, उसका जवाब दीजिए। शोपियां तक से लोग निकलकर चले गए, दिवाली की रात को निकलकर चले गए, इसका जवाब दीजिए। ये प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया के पहले दो चरण क्या हैं, उन चरणों में आपने क्या कदम उठाए हैं, पहले उसका जवाब दीजिए। चुनाव आप कब कराएंगे, कैसे कराएंगे, तब की बात हम तब जरूर करेंगे आपसे, लेकिन अभी चुनाव से ज्यादा महत्वपूर्ण जान माल की रक्षा है, उसका आप क्या कर रहे हैं वह बताइए। श्वेत पत्र हमारी मांग है। कांग्रेस पार्टी पिछले 8 साल में लगातार सरकार को आघात कर रही है, सरकार से सवाल पूछ रही है, सरकार पर दबाव बना रही है। साहब, हाँ, आप स्थिति को सामान्य करिए, कश्मीरी पंडित वापस जा सके, जो वहां रह रहे हैं वो महफूज रहे, सुरक्षित रहे। मुझे आप बताइए कि 70 मंत्री जा रहे हैं, 10 अक्टूबर से इनकी ये यात्रा आउटरीच की शुरू हुई है, आप कश्मीरी पंडितों के कैंप पर नहीं जा सकते? ये है आउटरीच। विपक्ष को तो जो करना है उससे कहीं ज्यादा कर रहा है। सरकार आपकी है, एलजी आपके हैं, सब कुछ आप ही का है, 303 सीटें हैं आपकी, कहां है कश्मीर में सामान्य स्थिति? क्योंकि कश्मीरी पंडितों का हम सब पर, हम सब भी हो एक ही छाव है। दोस्त लीडर्स ऑफ द बीजेपी हु आर स्टूडेंट्स ऑफ द व्हाट्सएप नर्सरी need to revisit their own history classes. They need to understand if all that they are saying is true. Please respond to 2 questions of us. How is it that during the Dr. Manmohan Singh era 75% people would participate in the democratic process through elections in the state? How is it that target killings stopped? Just get us the answer from Mr. Kiran Rijiju or whoever wants to answer. Any student of the WhatsApp nursery of Narendra Modi, we'll be happy to get the answer from them. They have no idea of contemporary history of the country. It's very easy to blame Nehruji for this, Indira Ji for something else, Narasimha Rao for something else,
as the finance minister keeps doing, and Dr. Manmohan Singh for the rest. Give us answers. You've been in power for 8 years. And in these 8 years, what has been your achievement in Jammu and Kashmir? You cannot hold elections in the state. That's your achievement. You cannot protect the existing Kashmiri Pandit families. That's your success. That's your achievement. You cannot take the Kashmiri Pandits back into the valley, those who have been waiting for decades to go back. Is that your achievement? You must apologize for what happened in 89. You must apologize for what's happening now. You must bring out a white paper ASAP as soon as possible.